एनल फिस्चुला, एनल फिस्चुला इज अ स्मॉल टनल दैट डिवेल्प्स बिटवीन द एंड ऑफ द बोवल एंड स्किन नियर द एनस। तो एनल फिस्चुला बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉल टनल होती है जो कि डिवेल्प होने लग जाती है कहाँ पे, एंड ऑफ द बोवल पे या फिर जो स्किन नियर द एनस होती है वहाँ पे। तो जब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें या पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो नॉर्मली जो हमारी एनस होता है, एनस में क्या होगा, ह्यूमन एनस में नंबर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब जब ये जो स्मॉल ग्लैंड्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, जब वो किसी भी फैक्टर की वजह से क्लोग हो जाते हैं, उस क्लोटिंग की वजह से, उस क्लोगिंग की वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने लग जाएगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। अब जब ये बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू द क्लोगिंग और ब्लॉकिंग ऑफ द म्यूकोजल ग्लैंड, स्मॉल म्यूकोजल ग्लैंड, वट विल हैपन, द बैक्टीरिया क्रिएट अ स्वॉलन पॉकेट लाइक इन्फेक्टेड फिशर और विच विल बी फिल्ड ऑफ पस और द लिक्विड। सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे बात की है कि स्मॉल ग्लैंड्स होंगे जो कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग होंगे, जब ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो स्मॉल ग्लैंड्स होंगे वो जब हमारे पास क्लोग हो जाएंगे, उस क्लोगिंग की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने लग जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा एक स्वॉलन पॉकेट को, ठीक है, एक स्वॉलन इन्फेक्टेड पॉकेट को, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये फिशर है, और वो फ्लूइड फिल्ड और पस फिल्ड जो है वो एक पॉकेट होगी। अब ये जो पॉकेट होगी, ये जो फ्लूइड फिल्ड एक पॉकेट, इन्फेक्टेड पॉकेट बन चुकी है, वो क्या होगा, वो एब्सेस में कन्वर्ट होगा। अब एब्सेस में वो कन्वर्ट कैसे होगा कि जो जो हमारी जो जो फिशर था वो कैसे डिवेल्प होगा अब यहाँ पे, जब एब्सेस जो है वो होगा। अब एब्सेस कैसे होगा, जब जो बैक्टीरिया था उसकी इंक्रीज एक्टिविटी होगी और स्वॉलन पॉकेट जो कि पस फिल्ड थी वो डिवेल्प हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी वो क्या करने लग जाएगी, वो टनलिंग करने लग जाएगी, वो फिशरिंग करने लग जाएगी कहाँ पे, स्किन में, ठीक है, स्किन सम वेयर टू द स्किन में जो है वो क्या करने लग जाएगी, वो फिशरिंग करने लग जाएगी। उसकी उसकी टनलिंग की वजह से क्या होगा कि जो एब्सेस है, वो जो फॉर्मेशन हुई हुई थी उसकी, वो क्या कर जाएगा, वो लीड कर जाएगा फिशर में, कैसे कि जो, जैसे कि हमने बात की है कि जो एब्सेस होगा वो क्या होता है, वो पस फिल्ड होगा, वो लिक्विड फिल्ड होगा, और उसने कहीं ना कहीं ड्रेन होना है, तो वो ड्रेनेज के लिए क्या करेगा, एब्सेस जो है वो पंच आउट करेगा एक होल को टू द स्किन समवेयर नियर द एनस, ठीक है, ताकि वो ड्रेन कर सके जितना भी जो फ्लूइड उसके अंदर है, जो पस फ्लूइड जो उसके अंदर है उसको वो क्या कर सके, ड्रेन कर सके। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी इज द ब्लॉकेज ऑफ द स्मॉल ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनस, विच लीड्स टू इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंड द इंक्रीज बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूस और क्रिएट पॉकेट, इन्फेक्टेड पॉकेट फिशर्स, इन्फेक्टेड पॉकेट एब्सेसेस, एंड द एब्सेसेस पंच आउट अ होल टू द स्किन नियर द एनस वेयर दे नीड टू ड्रेन देमसेल्व्स, दिस विल लीड टू द टनलिंग और द एनल फिशरिंग। So anal fistula, we have discussed the definition is the small tunnel that develops between the end of the bowel and the skin near the anus, or a small tunnel that connects the infected gland inside the anus to an opening on the skin around the anus. Next we have the symptoms. So the symptoms are skin irritation around the anus, skin irritation around the anus. Number second is constant pain. Constant pain that worsen when you sit down, move around,
cough or defecate. The constant pain that worsen when you sit down, move around, cough or defecate. Number third symptom is smelling discharge. Smelling discharge. Or the male odorous discharge. Next one is bowel incontinence. Bowel incontinence. Next one is pain with bowel movement. Pain with bowel movement. And another one is feeling of fatigue. After symptoms, we will discuss about the causes. That what will be the cause of developing anal fissures? Number one is Crohn's disease. Number second is diverticulitis, inflammation of the pouches that extends from the large intestine. Diverticulitis, constipation, complication of surgery, complication of surgery, radiation during the treatment of cancer, trauma, any kind of trauma. Ulcerative colitis, and sexually transmitted diseases. These are the main causes of anal fistula. How can we diagnose the anal fistulas? For the diagnosis of anal fistula, we have some diagnostic criteria which involves rectal examination, proctoscopy, so proctoscopy basically is a small flexible tube or a telescope with a light which is inserted into the anus to visualize the internal structure or the internal lining of the anus. Another criteria is ultrasound. MRI scan. CT scan. Anoscopy. In which we will examine the anus under anesthesia. Blood test. And X-ray. So these are the diagnostic criteria for the diagnosis of anal fistula, rectal examination, proctoscopy, ultrasound, MRI, CT scan, anoscopy, blood test, and X-ray.
If we talk about the treatment, so how can we treat the anal fistulas? Number one is Sitz bath. Topical anesthetics. Such as lidocaine, stool softeners, laxatives, so these are the management or the treatment which we can use as the conservative treatment. But if the fistula is not treatable with the conservative medication, then we will go for the surgical procedures which involve fistulotomy basically is the cutting the whole length of fistula to an open groove. तो बेसिकली फिस्चुलॉटमी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने बात की है कि फिस्चुलाज बने होते हैं, अब फिस्चुलाज में हम क्या करेंगे कि जो उसकी होल जो उसकी ओपनिंग थी वहाँ से जो है उसको उसको टीयर कर देंगे, उसको कम्प्लीटली कट कर देंगे. जब भी हम उसको कट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एरिया था, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि जैसे ये है और ये फिस्चुला है, तो हमने क्या करेंगे इसको कम्प्लीटली यहाँ से कट कर देंगे. ठीक है, अब जब ये कम्प्लीटली कट हो जाएगा तो दूसरी जगह पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये इस तरह से एक ओपन ग्रूव बन जाएगा, एक ओपन एक साइट हो जाएगी. अब इस साइट को हील करना ज़्यादा आसान होगा अदर देन ट्रीटिंग विद द एनल फिस्चुलास. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिस्चुलॉटमी. और इसी से जो है वो आगे अगर हमने फिस्चुलॉटमी की है तो इसी को फिर फ्लैप प्रोसीजर भी कर सकते हैं. तो फ्लैप प्रोसीजर में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, एक टिश्यू का फ्लैप जो है वो डिवेलप कर दिया जाता है. जैसे कि ये जो है ये एक टिश्यू का फ्लैप जो है वो यहाँ पे डिवेलप किया जाएगा, यानी कि जो टिश्यू होगा उसको कहीं और से टीयर करके वहाँ पर अटैच किया जाएगा. इसको बोलते हैं फ्लैप प्रोसीजर. एक और जो हमारे पास प्रोसीजर आएगा उसे बोलते हैं लिफ्ट प्रोसीजर. लिफ्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि जो स्किन होती है अबाउट फिस्चुला इज ओपनड अप, द स्फिंक्टर मसल्स आर स्प्रेड एंड फिस्चुला इज टाइड ऑफ. फिस्चुलॉटमी में हमने क्या किया था, जो होल फिस्चुला था उसको कट डाउन कर दिया. देन नंबर सेकेंड पे क्या था, फ्लैप प्रोसीजर. फ्लैप में क्या किया था, एक फ्लैप जो है वो वहाँ पे हमने इम्प्लांट कर दिया हुआ था, उसको उसको सर्जिकली वहाँ पे जो है वो स्टिच कर दिया हुआ था. और नंबर थर्ड क्या आता है, लिफ्ट प्रोसीजर. अब लिफ्ट प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है, लिफ्ट प्रोसीजर में जो स्किन होती है अबव द फिस्चुला उसको ओपन कर दिया जाता है. और देन फिर क्या होगा कि वहाँ से ओपन करके जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनको वहाँ पे स्प्रेड करके उस फिस्चुला को टाइड ऑफ कर दिया जाता है. इससे क्या होता है कि जो फिस्चुला होता है उसकी मोर जो है वो टनलिंग नहीं होती है. ठीक है, मोर जो है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम ट्रीटमेंट करके डील करते हैं एनल फिस्चुलास के साथ. ठीक है, तो आज हमने जो कवर किया है, जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो है एनल फिस्चुला, डेफिनेशन, सिम्टम, कॉजेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. और इसकी जो है वो कुछ सब टाइप्स भी आती हैं एनल फिस्चुला की. नंबर वन इज एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक. एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक
एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक जो एनल फिस्चुला होगा वो बेसिकली क्या होगा कि बिगिन होगा एट द रेक्टम और सिग्मॉइड कॉलन में वो बिगिन होगा और प्रोसीड डाउन करेगा जो लिवेटर एनाई मसल्स होती हैं वहाँ पे, और फिर क्या करेगा ये ओपन अप हो जाएगा इनटू द स्किन. ये होता है एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक. नंबर सेकेंड इज सुप्रा स्फिंक्ट्रिक. सुप्रा स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला इज बेसिकली बिगिंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स, जो कि प्रोसीड किस में जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं उसमें बिगिन करेगा, प्रोसीड करेगा डाउनवर्ड बिटवीन द प्यूबर रेक्टलस एंड द लिवेटर एनाई मसल्स. वो क्या था, सिर्फ लिवेटर एनाई को कवर करा था, ये प्यूबर रेक्टलिस मसल्स को भी कवर करेगा और लिवेटर एनाई मसल्स को भी जो है वो कवर करेगा. नंबर थर्ड इज ट्रांस स्फिंक्ट्रिक. एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक, नंबर थर्ड इज ट्रांस स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला. सो ट्रांस स्फिंक्ट्रिक बिगिन अगेन विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, देन इट विल पास थ्रू एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड ओपन अप एन इंच अवे फ्रॉम द एनस. ठीक है, तो क्या होगा, ये डिवेल्प होगा एनल और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर्स होंगे वहाँ पे, उसके बाद जो है ये क्या होगा कि ये एक्सटेंड डाउन करेगा एक्सटर्नल जो होगा पास थ्रू कहाँ से करने लग जाएगा, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर से, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर से देन जो है ये डिवेल्प करेगा एक ओपन अप, कहाँ पे होगा एक जो है वो एक स्लाइट सा जो इंच होगा वहाँ जो है उसका डिस्टेंस जो है वो क्रिएट करेगा बिटवीन द एनस के एनस और जो ये फिस्चुला डिवेल्प होगा उसके दरमियान एक लिटल जो है वो एक स्पेस होगी इंचेस में. नंबर फोर्थ इज इंटरस्फिंक्ट्रिक. नंबर फोर्थ इज इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्चुला. सो इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्चुला बिगिन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स, बट इट विल पास थ्रू इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स एंड ओपन इट्स वे क्लोज टू एनस. ये क्या होगा, ये क्लोज टू एनस था, जबकि ट्रांसफिंक्ट्रिक क्या था, वो एक तो एक्सटर्नल से हो रहा था लेकिन वो साथ ही में जो है वो ओपन अप हो रहा था इंच और मोर अवे फ्रॉम द एनस. एंड द लास्ट वन इज सब म्यूकोजल. सब म्यूकोजल पास सुपरफिशियली बीनीथ द सब म्यूकोजा एंड डू नॉट क्रॉस ईदर स्फिंक्टर मसल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब म्यूकोजा को जो है वो सुपरफिशियली क्रॉस करेगा, वहाँ से पास आउट होगा, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को जो है ये क्रॉस नहीं करेगा. तो ये हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं, फाइव बेसिक टाइप्स ऑफ एनल फिस्चुलास: एक्सटर्नल स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला, इंटर स्फिंक्ट्रिक एनल फिस्चुला एंड सब म्यूकोजल एनल फिस्चुला.